गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि बोधगया में कुछ प्राचीन काल के मूर्ति तस्कर जो हैं चोरी की मूर्तियां खरीद कर उसको खरीद बिक्री करने वाले हैं। तो यहाँ इसकी सूचना मिली और तुरंत एक टीम गठित की गई SDP बोधगया के निर्देश में, उनके नेतृत्व में, और यहाँ पर बोधगया टीम के थाना की टीम के द्वारा मस्तपुरा थाना गाँव है बोधगया थाना अंतर्गत, वहाँ पर रेड किया गया। घुंघर चौधरी पेशा स्वर्गीय रामेश्वर चौधरी घर पर छापेमारी की गई, जहाँ से 2 प्राचीन मूर्ति और 4 स्तूप, चार स्तूप हैं जो इनके साथ, कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि ये प्राचीन मूर्तियों की तस्करी खरीद बिक्री के लिए पटना से बोधगया आए थे। तो इन लोगों ने फिर बारी बारी से सबसे पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में हमें कुछ और लीड्स मिले, जिस पर हमने फर्दर यहाँ पर सूचना मिली कि मोहम्मद शमशाद आलम है जो कि सिलाव थाने का रहने वाला है, वो पहले भी 4 बार प्राचीन मूर्ति के चोरी के केस में और डकैती केस में जेल जा चुका है। इनके जो मोबाइल इनके पास मिली थी उसमें भी काफ़ी सारे प्राचीन मूर्तियों के फोटोग्राफ्स मिले थे, और यहाँ पर जो खंडित भगवान बुद्ध की जो सर का जो फोटो है वो भी मिला था। तो उसके आधार पर हमने फिर फर्दर टीम गठित की और रेड कराना शुरू किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर इनको इनको देखा गया, तो इन्होंने बताया कि लोग काफ़ी टाइम से जो भी प्राचीन मूर्ति है उनका कारोबार करते हैं, और नेपाल के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो भी इनके कलेक्टर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, उनको ये लोग बेचते हैं ऊँची कीमतों में। इसमें घुंघर चौधरी है पिछले 8-10 वर्षों से बोधगया में मूर्ति और पुराने सामानों की दुकान थी। इसी के दौरान ये वाराणसी के कुछ जो तस्कर हैं उनके संपर्क में आए थे और उसके बाद ये मूर्ति तस्करी के धंधे में लग गए थे। ये बताया कि ये मुगल सराय, दिल्ली, दाऊद नगर और गया के विभिन्न कांडों में 4 बार जेल जा चुका है घुंघर चौधरी। दूसरा हमें मिला था तीसरा अरविंद दास, जो कि पेशर कुकोदास ड्राइवर टोला मोहल्ला कटिहार का रहने वाला है। ये पेशे से मछली व्यवसायी था और मछली व्यापार के दौरान ही ये कुख्यात मूर्ति तस्कर जो मोहम्मद शमशाद आलम है उसके संपर्क में आए, और शमशाद आलम ने इनको अपने नेपाल में जो कस्टमर बेस है उनसे इन लोग को अवगत कराया, परिचित कराया, और फिर उनके साथ ये लोग जो भी यहाँ पर प्राचीन हमारे पुरातत्व से आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मूर्ति हैं, कलेक्ट करते रहे और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चोरी से बेचते रहे हैं। अमित कुमार है, पेशर है नसीब लाल, ये दानापुर उसरी का रहने वाला है। ये ज़मीन का दलाली करता है मुख्य रूप से, और इसने भी अरविंद दास से मिलकर प्राचीन मूर्ति खरीदने और नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की योजना बनाई थी। इनका टारगेट ये था कि यहाँ से मूर्ति को 15-20 लाख में खरीद कर इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ऊँची कीमतों में बेचें। इन्होंने फिर मोहम्मद शमशाद आलम से संपर्क किया था और फिर ये पटना मिले थे। उसके बाद ये सभी आए, अमित कुमार, मोहम्मद शमशाद और अरविंद दास, ये तीनों बाई रोड पटना से बोधगया आए थे और घुंघर चौधरी के घर पर मूर्ति के रेट को लेकर तोलमोल कर रहे थे, तभी ने पुलिस ने अरेस्ट किया और रेड करके गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान मोहम्मद शमशाद ने अपने एक और सहयोगी मोहम्मद सोनू, जो कि अफजल नगर बुंदेलखंड थाना नवादा जिला नवादा का रहने वाला है, उसने बताया कि कुछ मूर्तियाँ उसके घर पर भी हैं। उसके बाद बोधगया टीम के रेड करने गई थी और वहाँ पर 4 मूर्तियों का बरामद किया गया है मोहम्मद सोनू के घर से। यहाँ पर लेकर हमने प्रॉपर इनके फिल ऑफ एफ आई आर की गई है, हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हमारे बिहार म्यूजियम का ऑफिसर से भी संपर्क किया है और उन्होंने भी इस चीज़ को एग्जामिन किया है। इसकी फर्दर एग्जामिनेशन के लिए उनके भी हमने संपर्क किया है कि और फर्दर इसकी क्या है, किस काल के हैं, जैसे कुछ बताए जा रहे हैं कि इसमें कुछ मूर्ति जैसे पाल काल की हैं, कुछ बता रहे हैं कि मौर्य टाइम की भी हैं, कुछ गुप्त काल की भी हैं, तकरीबन सभी 1000 से लेकर 1500 वर्ष पुरानी मूर्तियां हैं, उसके पहले की सभी हैं। तो इनका एग्जैक्टली जो भी है ये ASI की टीम और हमारे जो बिहार म्यूजियम के जो ऑफिसर्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी टीम जब इसको ऑफिशियली एक बार वेरीफाई करके उनको सब कुछ एग्जामिन कर लेंगे तभी हम बता पाएंगे कि कब के, लेकिन अनुमानित यह है कि सभी मूर्ति और जो भी यहाँ पर पाई गई है स्तूप वगैरह हैं ये सभी काफ़ी प्राचीन हैं, और जो इंटरनेशनल जो थेफ्ट मार्केट होता है, जो इंटरनेशनल जो चोरी का मार्केट है जिसमें जहाँ पर एक खरीदारी करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उसमें काफ़ी करोड़ों में इसकी कीमत आकी जा सकती है। तो फिलहाल ये सभी हमारे गिरफ्त में हैं, हम लोग इसको प्रॉपर अभी जुडिशियल कस्टडी भेजेंगे कोर्ट में प्रोड्यूस करके, और हम लोग फिर इसको डिमांड पर भी लेंगे और फर्दर यहाँ पर और भी जो लिंक है हम लोग इसको एस्टैब्लिश करेंगे, अगर दूसरे संपर्क में है, दूसरे राज्यों से है और अगर दूसरे देश में भी है तो हम लोग प्रॉपर एजेंसी के माध्यम से इस लिंक को और आगे एस्टैब्लिश करेंगे, ताकि जो पूरा जो नेटवर्क फैला है और हमारी जो धरोहर को लोग चोरी करके बाहर बेच रहे हैं उसको तोड़ा जा सके। इन लोगों ने बताया कहाँ से ये मूर्तियाँ चोरी की थी और कहाँ की थी?
जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि बोधगया आसपास राजगीर वगैरह से लोग हमारे यहाँ से जो लोग मूर्तियाँ चोरी करते रहे, कई जगह पर मूर्ति मिली है, कुछ मंदिर से भी चोरी की गई है और कुछ कुछ साइट्स के खुदाई के दौरान मिलते हैं, उनको भी लोग कलेक्ट कर लेते हैं कहीं से कम कीमत में लेकर फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इनके जो बायर्स होते हैं ये इंटरनेशनल लेवल के होते हैं और इंटरनेशनल में कई सारे आप लोग देखेंगे कई सारे म्यूजियम्स होते हैं, प्राइवेट म्यूजियम्स रखते हैं और इंटरनेशनल एक रैकेट चलता है जो कि आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी जिनका पुरातत्व जो कीमत है, मूल्य है, काफ़ी ऊंचा होता है, ये लोग कलेक्टर्स को देते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। और यही सारी चीज़ें हैं कि हम लोग को इसमें पूरा यकीन है कि इसका चेन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भी जुड़ा हुआ है। अभी तक तो 4 गिरफ्तारियाँ हमारे पास, 5 गिरफ्तारियाँ हैं हमारे पास। बोधगया में जो पुरानी उनकी दुकान है वहाँ से कारोबार चल रहा है, ये हो सकता है कि वो शैडो बिजनेस रहा हो, क्योंकि पहले जैसे कई लोग इनका शैडो बिजनेस था कि हम लोग कुछ मूर्ति या फिर कुछ बेच रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में ये लोग करते हैं। ये जो पकड़ाया गया है मोहम्मद शफी, तो इसमें वही किया भुवन चौधरी ने, कि ये लोग पुरानी दुकान रखते थे पुराने सामान एंटिक के नाम पर। इसमें कोई शक नहीं हो सकता है कि ये भी एक शैडो हो सकता है, इसके पीछे इनका जो अल्टीरियर मोटिव कुछ और रहा हो। कितने सालों से ये धंधे में लगे होंगे? इनका तो हमने बताया कि लोग सभी कई बार जेल जा चुके हैं, जैसे कि आपको मोहम्मद शमशाद है, ये 2012 से लेकर 19 तक फतेहपुर थाना, कतरीसराय थाना, राजगीर थाना और दीपनगर थाना से जेल जा चुका है। तो पिछले लगभग 8-10 वर्षों से लोग इस धंधे में जुड़े हुए हैं और इनके साथ और भी जो लोग हैं हम लोग अभी इस्टेब्लिश करेंगे और पता करते हैं, इसमें अनुसंधान हम लोग करेंगे, जो भी हमें फर्दर लीड्स मिलते हैं हम लोग आगे इसमें अभी और भी इनसे संपर्क करेंगे हम लोग। ABP News आपको रखे आगे।